श्री अर्जुन चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा मुख्य अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भाई जसी बेटवाल जी, जर्जर जिला के प्रधान भाई करमवीर जी और युवा के जर्जर जिला के प्रधान भाई गोविंद चंद्र सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का भारत के अध्यक्ष भाई राजवीर पटवार जी, अध्यक्ष भाई बलराज जी कर के वरिष्ठ नेता भाई हरिंदर सराना जी, भाई रमेश दलाल जी, आदरणीय एसपी साहब, एलो के पूर्व प्रत्याशी जज्जर से रहे भाई साधुराम जी और भाई पवन धनखड़ जी, श्री इंदर सिंह जी ढोल उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथियों, आदरणीय दोस्तों, बुजुर्गों और मातृशक्ति, आज सर्वप्रथम जर्जर जिले में पधारने पर हम अपने युवा नेता भाई अर्जुन चौटाला जी का और जस्सी बेटवाल जो युवा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी नजर करते हैं, आप काफी देर से बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक दो मिनट और भी बात खत्म करूंगा क्योंकि कई वक्ता है बोलने वाले और आप भी काफी देर से आए हुए हैं। दोस्तों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से लंबी चर्चा की, उस चर्चा में ना जाते हुए वो तो आप सभी देख रहे अच्छी तरह से, अखबारों में टीवी के माध्यम से लोग सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो। हमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करना है और इसलिए मजबूत करना है कि 15 साल से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता सत्ता से बाहर है। जो बच्चा जब सरकार हमारी गई 2005 में, जो बच्चा 10 साल का था वो 25 साल का हो गया। रोजगार की बड़ी भारी समस्या है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को सत्ता सताई रहती है कि हमारे नौजवान बच्चे का क्या हो, इसको नौकरी कैसे मिलेगी। इसलिए सभी साथियों से, नौजवान दोस्तों से निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत के साथ जोर लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रयास करें, लगातार मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमे। इसी के साथ मैं एक बार फिर अपने नेताओं का, चाहे वो उम्र में बेशक छोटे हो, लेकिन नेता उम्र में नहीं देखा जाता, नेता नेता है चाहे उम्र में बेशक छोटे हो, मैं एक बार फिर भाई अर्जुन चौटाला जी का और पेटवा साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं और यह आश्वासन भी दिलाता हूं कि जर्जर जिले का हर कार्यकर्ता, चाहे वो युवा है, चाहे नौजवान बेरोजगार है, चाहे लोग बुजुर्ग है, चाहे माताएं बहनें हैं, पार्टी का जो भी आदेश होगा उस आदेश की पालना करेंगे और उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार कैसे आए। थैंक यू।